सिलेंडर मैन एक ऐसा शैतान जो आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपसे वो सब करवा सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 8 फुट लंबा एक ऐसा राक्षस जिसका जिक्र इतिहास में भी है। और 2014 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उन लोगों के भी होश उड़ा दिए थे जो सिलेंडर मैन पर विश्वास नहीं करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिलेंडर मैन की पूरी कहानी, देखेंगे इसके होने के असली सबूत, जानेंगे सिलेंडर मैन के पीछे की पूरी सच्चाई। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार बिना किसी देर के शुरू कर देते हैं आज का इस साल का आखिरी फाड़ू वीडियो। सिलेंडर मैन की सबसे पहली तस्वीर आई थी इंटरनेट पर 2009 में। यहाँ पर कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और उनको दूर से झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी क्रीचर बड़े ध्यान से देख रहा है। बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि ये रहस्यमयी व्यक्ति सिलेंडर मैन था, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ये सिलेंडर मैन की पहली तस्वीर है जो इंटरनेट पर आई थी, लेकिन ये एक फेक फोटो है। इसको एडिट किया था एरिक नटसन ने। ये एक फोटोशॉप आर्टिस्ट थे। एक वेबसाइट पर कॉम्पिटिशन चल रहा था जहाँ पर लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी की फोटोशॉप तस्वीरें भेजनी थी। जिसकी तस्वीर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और क्रीपी होने वाली थी वो होता है इस कॉम्पिटिशन का विनर। और इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए एरिक ने ये तस्वीर एडिट की थी। यहाँ पर एक नॉर्मल से कॉमन मैन की तस्वीर को एक क्रीपी क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया गया फोटोशॉप की मदद से। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फोटोशॉप। इन तस्वीरों की जो हकीकत थी वो कई साल के बाद इंटरनेट पर आई, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग सिलेंडर मैन के ऊपर विश्वास करने लगे थे। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है क्रीपी पास्ता नाम की वेबसाइट को, जिसने सिलेंडर मैन के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए। मैं आपको बता दूं, ये सिलेंडर मैन है, सिलेंडर मैन नहीं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि इसको सिलेंडर मैन क्यों बोलते हैं, आखिर कहां है इसका सिलेंडर। तो भाई ये है सिलेंडर मैन, और सिलेंडर का मतलब होता है दुबला पतला। जैसा कि इसकी तस्वीरें है, ये काफी दुबला पतला और लंबा सा क्रीचर है। इसके हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं। बेचारे को बचपन में ठीक से खाना नहीं मिला इसलिए इतना दुबला पतला है। चलो अब मजाक नहीं करूंगा। सिलेंडर मैन की तस्वीर एक थी, लेकिन एक ऐसी घटना हुई थी 2014 में जिसने लोगों को सिलेंडर मैन की कहानी पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था, और ये एक सच्ची घटना थी। एनिसा और मॉर्गन नाम की दो लड़कियां थी जिनकी एक फ्रेंड थी पैटॉन। ये दोनों पैटॉन को खेलने के बहाने सुनसान जगह पर ले गईं, और उसके बाद उन्होंने पैटॉन को 19 बार चाकुओं से गोद कर मारने की कोशिश की, 19 बार स्टैबिंग की। लेकिन पैटॉन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि ये दोनों लड़कियां प्रोफेशनल किलर नहीं थी, इसीलिए 19 बार चाकू मारने के बाद भी वो उस लड़की को मार नहीं पाई और पैटॉन जिंदा बच गई। उसके बाद इन दोनों लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो जवाब सुनकर आप भी सोचने लग जाओगे, उन्होंने ये सब किया सिलेंडर मैन को खुश करने के लिए। उन दोनों लड़कियों का ऐसा कहना था कि सिलेंडर मैन ने उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था। उन दोनों लड़कियों के मुताबिक अगर वो सिलेंडर मैन की बात नहीं मानती तो वो उन्हें मार डालता। हालांकि वो दोनों बच्चियां नाबालिग थी इसलिए उनको जेल नहीं हुई, उनको मेंटल असाइलम भेज दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद बहुत से लोग ये मानने लगे कि वाकई में सिलेंडर मैन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इस घटना से मुझे एक गाना याद आ रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। तो भैया आजकल के निब्बियों पर भी भरोसा मत करना, कहीं खेलने के बहाने से तुमको सुनसान में ले जाके। क्रीपी पास्ता वेबसाइट के अकॉर्डिंग सिलेंडर मैन की यही पावर है कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और इस घटना के बाद लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि सिलेंडर मैन वाकई में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद लोगों के इस बिलीव को और ज्यादा पक्का कर दिया इंटरनेट पर अवेलेबल कुछ ऐसी हिस्टोरिकल पिक्चर्स ने, जहां पर यह बताया गया है कि सिलेंडर मैन एक हिस्टोरिकल क्रीचर है जो कई सैकड़ों सालों पहले से इंसानों के बीच मौजूद है। सिलेंडर मैन की हिस्टोरिकल पिक्चर से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दो लड़के कार से कहीं जा रहे थे, ये रोड पूरी तरह से सुनसान थी, वो दोनों मस्ती करते हुए जा रहे थे और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उनके कैमरे में एक ऐसी चीज रिकॉर्ड हो गई जो काफी हद तक सिलेंडर मैन जैसी दिख रही थी। यहाँ पर एक शख्स दुबला पतला, काफी लंबा चौड़ा और बिल्कुल सिलेंडर मैन के गेटअप में उनको एक सुनसान जगह पर घूमता हुआ नजर आया। आपको क्या लगता है, वाकई ये सिलेंडर मैन था जो उनके कैमरे में कैप्चर हो गया, या फिर ये एक प्रैंक वीडियो था? इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिन्हें हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ सिलेंडर मैन बताया जाता है। इस तस्वीर में एक दुबले पतले अजीब से क्रिएचर को रोमन वॉरियर्स मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल होने लगी तो इसका सच भी सामने आ गया। ये एक एडिटेड फोटो है जिसको सिलेंडर मैन जैसा बनाया गया था, असली तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है। चूंकि सिलेंडर मैन की कहानी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इसलिए उसके ऊपर एक गेम भी बनाया गया जो आई एम श्योर
आप लोगों ने खेला ही होगा। और एक मूवी भी अनाउंस हुई थी। इस मूवी के प्रोड्यूसर ने मूवी को बनाने से पहले पब्लिक में अनाउंस किया था कि स्लेंडर मैन की ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, ये किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है। लेकिन लोग कहां मानने वाले थे, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे महान लोग ऐसे हैं जो आज भी जादू को असली मानते हैं। इसलिए स्लेंडर मैन की इस मूवी के बाद बहुत सारे लोगों ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि ये सत्य घटना पर आधारित मूवी है और स्लेंडर मैन असली क्रीचर है। ये एक फुटेज है जहां पर कुछ लोग बर्फ में मस्ती कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपने YouTube चैनल के लिए, और तभी उन्हें अचानक एक ऐसा क्रीचर दिखता है जो बिल्कुल स्लेंडर मैन की तरह दिखाई देता था। उन दोनों ने भागना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे ये वीडियो फेक लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्लेंडर मैन अगर वाकई में एग्जिस्ट भी करता है तो वो ऐसे खुले में घूमकर लोगों के कैमरे के सामने जाता होगा। और ये जो सिलेंडर मैन के इतने टिप टॉप कपड़े हैं, ये इनको कहां धुलवाता होगा, कहां प्रेस करवाता होगा, ऐसे अजीबोगरीब शरीर के लिए उसने ये सूट कहां से सिलवाया होगा। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो यही पता चलता है कि सिलेंडर मैन केवल लोगों के दिमाग की कल्पना है। इस क्लिप में कुछ लोग रात में वीडियो बना रहे थे और उनको सुनसान सड़क पर काफी दूरी पर एक आदमी नजर आया जिसने कपड़े बिल्कुल सिलेंडर मैन की तरह पहने हुए थे और वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने कंटिन्यूस वीडियो बनाना चालू रखा और सिलेंडर मैन उनका काफी नजदीक आ गया। इस वीडियो को इस तरह से बनाया गया है कि ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगता है। अगर डायरेक्ट बात की जाए तो सिलेंडर मैन के इंटरनेट पर जितने भी फोटोज अवेलेबल हैं सब नकली और फोटोशॉप्ड हैं। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं वो सभी पब्लिसिटी पाने के लिए यूट्यूबर्स के थ्रू बनाए गए फेक वीडियोस हैं। लेकिन ये सारी छोटी छोटी और नकली चीजें लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा और बुरा असर डालती हैं। और इसी का एक एग्जांपल था 2014 में हुई वो घटना जहां पर दो छोटी बच्चियों ने अपनी सहेली को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो ऐसा बिलीव करती थी कि सिलेंडर मैन एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सिलेंडर मैन जैसी कोई चीज है या नहीं, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तो यार बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले साल अगले फाड़ू वीडियो में। वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप अभी तक इसे देख रहे हो तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। हमारे चैनल पर, आपके और मेरे चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 31 दिसंबर को, मे बी ये आज ही आ जाए या फिर अगले साल 1 तारीख को आए। तो अगर आप इसे 31 को देख रहे हैं तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और अगर आप इसे 1 तारीख के बाद देख रहे हैं तो भैया नए साल की शुभकामनाएं। तो नए साल में कुछ नया टारगेट बनाओ, उसे अचीव करो और कुछ फाड़ू करके दिखाओ अपने लाइफ में। 2021 में बहुत मस्त मस्त वीडियोस आने वाले हैं और बहुत सारे सरप्राइज भी हैं आपके लिए। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं फाड़ू फौज के हर मेंबर को। टेक केयर, लव यू ऑल।